जब दुनिया के अंदर त्राहिमान त्राहिमान है, लोग अपनी जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे टाइम पर ये आदमी अपना महल खड़ा कर रहा था। जो अपने बच्चों को झूठी कसम खाता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, हमें गाड़ी बंगला से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आदमी बोलता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो आदमी बोलता था बंगला नहीं लूंगा, 108 कमरे का 178 करोड़ रुपए खर्च के बंगला बनाया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए के शीश महल पर घमासान जारी है। राजधानी दिल्ली में भाजपा हर विधानसभा में जन चेतना अभियान चला रही है। दिल्ली कैंट विधानसभा में भाजपा नेता मनीष सिंह के नेतृत्व में जन चेतना अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग जन समर्थन के साथ पहुंचे। पुरानी नांगल गांव से भाजपा कार्यकर्ता नितिन बग्गा ने भारी जन सैलाब के साथ क्रांति चौक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर नई दिल्ली से सांसद व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मंच पर मौजूद रहे। दिल्ली कैंट में केजरीवाल के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। केजरीवाल सरकार के विरोध में आयोजित जन चेतना अभियान में इतना जबरदस्त जन सैलाब पहुंचा कि कुर्सियां कम पड़ गईं। विधानसभा प्रत्याशी मनीष सिंह के आह्वान पर अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारों से गूंज उठी दिल्ली कैंट विधानसभा। विभिन्न इलाकों से हजारों कार्यकर्ता और आम जनता ने क्रांति चौक का ये अभियान ऐतिहासिक बना दिया। पुरानी नांगल गांव से समाजसेवी व भाजपा कार्यकर्ता नितिन बग्गा सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने मंच से केजरीवाल के काले कारनामे गिनवाए। नमस्कार, मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सर से बात करते हैं, आज जो अभियान चलाया जा रहा है जन चेतना अभियान, क्या मैसेज आज देना चाह रहे हैं आप दिल्ली की जनता को? देखिए, ये अभियान आज से नहीं, पिछले 7 दिन से चल रहा है और लगातार हम दिल्ली की सभी विधानसभा में ये अभियान चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का झूठ, उसका भ्रष्टाचार, उसकी चलाकी, उसकी मक्कारी दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। दिल्ली की जनता इन बातों को समझ रही है और एक बड़ा आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम करेंगे, उसके लिए अब ये सब सभाएं हो रही हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंच से कैसे हुंकार भरी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आइए आपको सुनवाते हैं मीनाक्षी लेखी और वीरेंद्र सचदेवा ने मंच से जनता को कैसे संबोधित किया। दिलाना चाहूंगी और वो चीज याद दिलाना चाहती हूँ, कोरोना के टाइम पर जब पूरी देश दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, आप में से कितने के परिवार में कई बार लोग नहीं रहे, कितने लोगों ने मुझे फोन किया होगा कि बहन जी बेड का इंतजाम कर दो, ऑक्सीजन का इंतजाम कर दो, हमारे घर परिवार वाले को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बेड नहीं मिल रहा, भोजन नहीं है, कुछ गरीब परिवार के मजदूर लोग एरिया में है, कहीं राशन की दुकान नहीं खुली। कितने लोगों ने ऐसे फोन आते होंगे जिनकी मदद हम सबने मिलके की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलते हुए समाज के प्रति जागरूक रहा और आप सबके बीच में उसने काम किया। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष राजेश गोयल जी, जिले के सह प्रभारी भाई सुरेश शर्मा जी, भारतीय मंडल अध्यक्ष लोहिया जी, प्रेम पाठक जी, बड़े बुजुर्ग भैया सिंह जी अग्रवाल साहब, मंडल जी, परिषद सभा के संयोजक श्रीमान मनीष जी और उपस्थित सभी दिल्ली कैंट के क्षेत्र के सभी निवासी, आज दिल्ली में हम 12 स्थानों पर इस तरीके की सभाएं करते हैं।
और दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सभाएं करते हैं। पर विषय ये आता है कि क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुना सेवा करने के लिए, उसने सेवा करने की बजाय आप लोगों को ठगना शुरू कर, दिल्ली की जनता की जेब काटना शुरू कर। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आप लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में शराब के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, और आप लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज मनीष सिसोदिया जेल में है, क्योंकि शराब घोटाले में 600 करोड़ का घोटाला ही। आप लोगों ने तो चुना था उसको स्कूल कॉलेज बनवाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, उसने क्या खोला? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा, और सबके पास खोल दी शराब के। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले तेज हो रहे हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज।